हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। जैसे कि आपको पता है, ये रिसेंटली एचपीएससी की एडीओ की पोस्ट आई है। सो इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम आपके लिए आज के सेशन में लेके आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेज, ग्रेप्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है। सो द ऑप्शन आर मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड और बोथ ए एंड बी। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। हमारे जो ग्रेप्स होता है उसमें हमारे दोनों टाइप के एसिड्स पाए जाते हैं, मैलिक एसिड एज वेल एज टार्ट्रिक एसिड। ओके, so there's the explanation that tartaric acid and L-malic acid are major acids that are found in grape juice. Okay, so moving on to the next question. In hilly areas, which system of fruit planting should be used? जो हमारे हिली एरियाज होते हैं उसमें हमें पता है कि स्लोप्स होता है। सो इसमें हमें प्लांटिंग करने के लिए कौन सा सिस्टम हम यूज करते हैं? ऑप्शन आर कॉन्टोर सिस्टम, स्ट्रिप क्रॉपिंग, विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग और नन ऑफ दीज। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कॉन्टोर फार्मिंग। कॉन्टोर फार्मिंग क्या होता है हमारा? जब स्लोप्स के अक्रॉस हम प्लांटिंग करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टोर फार्मिंग। ओके, सो कॉन्टोर कल्टिवेशन इज सस्टेनेबल वे ऑफ फार्मिंग वेयर फार्मर्स प्लांट क्रॉप्स अक्रॉस द स्लोप्स। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ऑरेंज प्लांट्स इन 1 हेक्टेयर वुड बी। So to know the approximate number of orange plants, we should know that कि planting में कितना spacing होता है जब हम orange plants लगाते हैं। ठीक है, so orange में क्या होता है हमारी 6 into 6 meter का हमारा row spacing होती है plant to plant के बीच में। तो फिर in order to find out कि 1 hectare में कितनी plant population होगी, हम क्या करेंगे इसमें 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 into 6 meter को। So, जो इसकी वैल्यू आएगी दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 277। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज 277। ओके, द ऑरेंज सैपलिंग्स आर प्लांटेड एट अ स्पेसिंग ऑफ 6 into 6 meter स्क्वायर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रोथ प्रमोटर। वी नो कि कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ग्रोथ प्रमोट करते हैं और कुछ हमारे इनहिबिट करते हैं। सो इसमें से ऑप्शन है हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सेसिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। सो इन सब में से कौन सा हमारा ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, विच मीन्स इनहिबिटर है। सो द आंसर इज एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड हमारी ग्रोथ को इनहिबिट करता है इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग। ओके, so the explanation to this is abscisic acid is also known as stress hormone. We all know that it inhibits the germination and seedling growth. Baki sab kya karte hain? Growth promote karte hain. Okay, moving on to the next question. The next question says, association of fungi with roots of higher plants is known as. Jo association hoti hai of fungi with plants of higher the roots of higher plants like trees के साथ जो association होती है उसको हम क्या कहते हैं? So the options are lichen, mycorrhiza, ascolichen और basidiolichen. Answer to this question is mycorrhiza. Mycorrhiza एक fungal association होती है, इसमें mycorrhiza provide करता है plant को with nutrients. ठीक है, so mycorrhiza is a symbiotic association of fungus with roots of higher plants. Moving on to our next question that says, late blight of potato is caused by. Late blight of potato का causal agent बताना है, which means उसका pathogen बताना है. So the options are Alternaria solanae, Xanthomonas campestris, Phytophthora infestans and Syncytrium endobioticum. So the answer to the question is Phytophthora infestans. Phytophthora infestans हमारा pathogen है, फंगस जो कि कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को। एंड दिस वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फेमाइन जो हमारा हुआ था। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज डीनाइट्रिफिकेशन इज मोर इन। डीनाइट्रिफिकेशन कौन सी कंडीशंस में ज्यादा होता है? ठीक है,
So the options are waterlogged soil, well-drained soil, heavy soil or light soils. तो जो हमारी denitrification की progress जो process होती है वो ज्यादा कब होती है हमारी waterlogged soils में. Okay? क्योंकि उसमें क्या होता है हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, रेस्पिरेशन के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. दैट्स व्हाई उसमें डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोग्रेस ज्यादा फास्टर होती है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंगल पॉपुलेशन इज कंपैरेटिवली हाई इन द सॉइल हैविंग. सो कौन से पीएच में हमारा क्या होता है फंगल जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा होती है. Is it acidic pH, neutral pH, alkaline pH or acidic to neutral pH? So the answer to the question is acidic pH. Acidic pH जो conditions होती हैं acidic conditions उसमें हमारी fungal growth ज़्यादा होती है. Okay? So moving on to the next question, question number 9 says microbial population of a soil इन जनरल. तो इसमें इट इज आस्किंग कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है वो डेप्थ के साथ हमारी कैसे वेरी करती है. डज इट डिक्रीज विद द डेप्थ, डज इट इंक्रीज विद द डेप्थ और इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट और देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रेंड. सो बेसिकली होता क्या है, हमारी अपर लेयर होती है सॉइल की उसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है. तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो माइक्रोब्स को ज्यादा फीड करने के लिए मिलेगा, ठीक है, उनके लिए ज्यादा फूड अवेलेबल होगा. दैट्स व्हाई जो हमारी अपर लेयर होती है उसमें हमारा फूड ज्यादा होता है माइक्रोब्स के लिए, देयरफॉर माइक्रोबियल पॉपुलेशन ज्यादा होती है. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज डिक्रीजेस विद डेप्थ. एज वी गो डाउन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन डिक्रीजेस विद द डेप्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सियालिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ. तो हमें इसमें बताना है कि सियालिक एसिड इनमें से किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है. इज इट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और क्रोमोसोम और डिक्टियोसोम. सो द सियालिक एसिड इज एक्चुअली पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का. एंड वी नो ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में. सो सियालिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. Okay, moving on to the next question, it says a condition in which pollination and fertilization takes place in unopened flower. Unopened flowers से हम क्या समझते हैं? That means कि flowers close ही हैं. उनके जो stamens और जो भी female और male reproductive parts हैं, वो expose नहीं हो रखे हैं, वो बंद ही हैं. Which means कि अंदर ही अंदर क्या होगा? Self fertilization होगा हमारा. So, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? Is it homogamy, apogamy, polygamy और cleistogamy? So, the answer to this question is cleistogamy. Cleistogamous flowers होते हैं जो closed flowers होते हैं. It's a type of self-fertilization process that occurs within a permanently closed flowers. Permanently जो closed flowers होते हैं जो कभी open ही नहीं होते हैं, उनमें जो fertilization होता है उसको कहते हैं हम cleistogamy. Okay? And moving on to the next question, question number 12. After the cell has undergone mitosis, the amount of DNA in daughter cells will be. So daughter cells में amount of DNA पूछ रहा है. तो initially क्या होता है जब हमारा cell start करता है mitosis, तो initial हमारी phase होती है S phase. S phase में क्या होता है हमारा कि जो हमारा DNA या genetic material होता है उसकी doubling हो जाती है, ठीक है. फिर इसमें माइटोसिस आगे की प्रोसेस होती है. देन फाइनली वी गेट टू डॉटर सेल्स. तो इसमें क्या होता है जब इनिशियली हमारे पास सिंगल ही जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बाद वो डबलिंग होती है, फिर डबलिंग के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों डॉटर सेल्स में. तो फिर हमारा क्या होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल, हमारा डॉटर सेल में क्या है डीएनए का अमाउंट सेम ही रहेगा. So that's why the answer to this question is equal to the parent cell. The amount of DNA in the daughter cell will be equal to that of parent cell. And moving on to the next question, it says, question number 13, an anticodon is a sequence of three nitrogen bases found on. तो हमें इससे पूछ रहा है कि एंटीकोडॉन जो कोडॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंटीकोडॉन बनता है वो किस पे बनता है.
तो ऑप्शंस आर डीएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीएनए. सो फिर क्या होता है, हमारा जो कोडॉन होता है वो बनता है एमआरएनए और एंटीकोडॉन बनता है हमारा टीएनआरएनए पे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. 14 सेज ब्रेड व्हीट इज इसका हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, प्लॉइड 11. तो ऑप्शंस में हमारा डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ऑटो एलेलोप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड. तो ब्रेड व्हीट क्या होती है, बेसिकली ट्रिटिकम एस्टिवम होता है हमारा. तो ट्रिटिकम एस्टिवम, द कॉमन व्हीट और द ब्रेड व्हीट, ये एक्चुअली क्या होता है हमारा, हेक्साप्लॉइड. हेक्साप्लॉइड विद 2n इक्वल्स टू 42. तो इसमें क्या होता है, बेस जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 7. और सिंस ये हेक्साप्लॉइड है तो 6 सेट्स होते हैं हमारे बेस क्रोमोसोम के. तो 6 × 7 हो जाता है हमारा 42. ओके, देन कम्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर इज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे फ्लावर्स पे उनको क्या कहा जाता है, इज इट कैलिक्स, कोरोला, स्टैमन और कार्पल. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कार्पल्स. कार्पल्स हमारे होते हैं जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. कार्पल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल. ठीक है, तो पिस्टल के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. और हमारा जो मेल पार्ट होता है दैट इज स्टैमन. स्टैमन के हमारे 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. बाकी कोरोला क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है पेटल्स का, दैट इज कोरोला. एंड कैलिक्स होता है हमारा सेपल्स वाला पार्ट. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इट सेज इन सॉर्गम सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज 20. What would be the chromosome number in the endosperm? So endosperm we know ki 3N hota hai. ठीक है, and the somatic chromosome number, मतलब somatic cells में जो chromosome number है वो 20 है, which means 2N जो है वो है 20. So हमारा N would be 10, and therefore 3N would be 30. So the answer to the question would be 30. ठीक है, endosperm because it's always diploid. Moving on to the question number 17, it says the haploid phase in the plant is called. तो haploid phase जो हमारे plant का होता है, हमारे plant में majorly 2 phases होते हैं, gametophyte and sporophyte. तो haploid phase कौन सा होता है हमारा, gametophyte is the haploid phase, whereas sporophyte is the diploid phase. और zygote भी हमारा क्या होता है, ये भी 2N होता है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट आस्क्स दैट गुजिया वीवल इज अ पेस्ट ऑफ, ये पूछ रहा है कि गुजिया वीवल कौन सी क्रॉप का पेस्ट है. इज इट पैडी, वीट, ज्वार और मेज. सो हमारी कौन सी क्रॉप का पेस्ट है ये, इट्स अ पेस्ट ऑफ वीट. वीट जो प्लांट होता है उसमें गुजिया वीवल अटैक करता है, एंड इट्स इसका साइंटिफिक नेम है टेनिमाइकस इंडिकस, which attacks the germinating seedlings of wheat. तो जब germinate ही कर रहा होता है, जब उसके seedling phase में ही होता है, तो उसी time पे गुजिया वीवल attack करता है. Okay? Then the question number 19. Generally the fruits are dash in nature. Fruits जो होते हैं is are they acidic or they are basic or are they neutral? तो हमने जनरली पढ़ा है कि फ्रूट्स में क्या क्या पाया जाता है, हमारा मैलिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, विच टेल्स अस कि क्या होते हैं, फ्रूट्स जनरली एसिडिक होते हैं. वेयरएज जो वेजिटेबल्स होती है वो हमारी मोस्टली बेसिक होती है. ठीक है, ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज एरिकिस हाइपोजिया इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, ये कौन सी क्रॉप का बॉटनिकल नेम है एरिकिस हाइपोजिया. इज इट सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट और शुगर बीन. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज ग्राउंडनट. ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम इज एरिकिस हाइपोजिया. फिर सोयाबीन का हमारा क्या होता है, ग्लाइसीन मैक्स. ठीक है,
देन मस्टर्ड का होता है हमारा ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, शुगर बीट का होता है बीटा वुलगैरिस. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज ऑक्सिन इज, तो ऑक्सिन जो केमिकल पाया जाता है हमारे प्लांट्स में वो बेसिकली क्या है, कौन सा कंपाउंड है, इज इट एन एंजाइम और इज इट अ विटामिन और इज इट अ हार्मोन और इज इट अ प्रोटीन. सो यू हैव टू टेल मी कि क्या होता है वो. वो एक्चुअली होता है हमारा एक हार्मोन, इट इज अ प्लांट हार्मोन दैट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एवरेज जेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ. तो जेस्टेशन पीरियड हमें बताया कि जब काउ में फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर, फिर फर्टिलाइजेशन से लेके जब तक कि हमारे काफ का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, काउ की बॉडी के अंदर, उस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. तो काउ में ऑन एन एवरेज जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, इज इट 261 डेज, 282 डेज, 296 डेज और 310 डेज. सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज 282 डेज. 282 डेज होते हैं हमारे काउ में. ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय. बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो कि एक बहुत अच्छा डिजीज है, अच्छा आई वुडंट से बट वन ऑफ द मेजर डिजीज है राइस में, वो किस वजह से होता है. सो उसको कॉजल एजेंट क्या है, इज इट जेंथोमोनास, इरविनिया, स्यूडोमोनास और बेसिलिस. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज जेंथोमोनास. जेंथोमोनास ओराइजी इज द कॉजल एजेंट ऑफ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे BLB भी बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में. ओके देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय. ब्राउन रस्ट ऑफ वीट किस चीज से होता है हमारा, इसका भी कॉजल एजेंट बताना है. पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, पक्सिनिया ग्रैमिनोस्ट्रेटिसाई, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस और पक्सिनिया होर्डाई. तो हमारा जो ब्राउन रस्ट ऑफ वीट है दैट इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया रिकॉन्डिटा. वेयर इज पक्सिनिया ग्रैमिनोस्ट्रेटिसाई से हमारा होता है ब्लैक रस्ट. ओके एंड पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस से होता है हमारा येलो रस्ट. ओके Then the next question is question number 25. It asks cattle semen is frozen and stored for long periods in liquid nitrogen at dash temperature. कौन से temperature में हम semen जो होता है cattle का उसको preserve करते हैं ताकि बाद में हम artificial fertilization कर सके cows में. तो इसको हम कौन से टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं सो दैट उसकी वायबिलिटी लूज ना हो. ठीक है सो ऑप्शंस आर -50 डिग्री सेल्सियस, -79 डिग्री सेल्सियस, -135 डिग्री सेल्सियस और -196 डिग्री सेल्सियस. तो आंसर इज -196 डिग्री सेल्सियस. -196 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको. क्रायो प्रिजर्वेशन किसमें होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में. लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में हम इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज करके रख सकते हैं सीमेन को सो दैट वी कैन यूज इट लेटर ऑन. ओके मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26, येलो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ. सो येलो कलर्ड जो फ्रूट्स होते हैं हमारे उसमें कौन सा विटामिन हमारा ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इज इट विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ए और विटामिन बी, इट वाज विटामिन ई. ओके सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज विटामिन ए. विटामिन ए येलो कलर्ड फ्रूट्स में होता है. तो इसके मेजर एग्जांपल है हमारे पपाया और मैंगो, जिसमें कि हम जो कि येलो कलर्ड होते हैं और उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में पाया जाता है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज क्वेश्चन नंबर 27, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस इज मैक्सिमम एट व्हाट पीएच. तो हमारे जो फॉस्फोरस है उसकी अवेलेबिलिटी कौन से वाले पीएच में ज्यादा होती है, इट न्यूट्रल, एसिडिक, एल्कलाइन और ऑल ऑफ द अबव.
एक्चुअली क्या होता है, जो फॉस्फोरस होता है डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है डिफरेंट पीएच. तो हमारा जो सबसे ज्यादा पाया जाता है दैट इज एट न्यूट्रल पीएच. न्यूट्रल पीएच में जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है फॉस्फोरस की होती है H2PO4 एंड HPO42 नेगेटिव की फॉर्म में, जो कि मोस्टली एंड जो प्लांट्स होते हैं वो इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं. कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28, इट सेज हाउ मेनी इरिगेशंस आर रिक्वायर्ड इन वीट क्रॉप. वीट क्रॉप में हमारी कितनी क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं फॉर इरिगेशन. तो फिर हमारी कितनी होती है, इधर इट इज 6 और 7 और 4 और 3. सो द आंसर इज 6. 6 क्रिटिकल स्टेजेस होती है हमारी वीट क्रॉप में जब हमें इरिगेशन देना होता है उसे, अदरवाइज उसकी यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो दीज 6 क्रिटिकल स्टेजेस आर CRI स्टेज, दैट इज क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, टिलिंग स्टेज, लेट जॉइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज एंड द डो स्टेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, दैट सेज एसेप्सिस मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेप्सिस. वी से ना कि एसेप्टिक कंडीशंस में हमें कल्चर करना चाहिए, जो भी हम कभी कोई डिजीज होता है तो उसके पैथोजेंस का कल्चर करते हैं हम लैब्स में. तो फिर उसके लिए एसेप्टिक कंडीशंस हो चाहिए होती है, ताकि उसमें और कोई कॉजल एजेंट ना ग्रो करने करे. सो दोस एसेप्सिस मीन, एसेप्टिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है, इज इट एक्सक्लूजन ऑफ एयर, एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर, एक्सक्लूजन ऑफ डस्ट एंड स्प्रे और एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स नहीं होने चाहिए उसमें. ठीक है, देन द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 इज किन्नू इज अ क्रॉस बिटवीन. किन्नू हमारा जो वन ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स होता है वो किसका क्रॉस होता है, किस 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 डिफरेंट प्लांट्स का क्रॉस करके हम उसको बनाते हैं किन्नू को. तो ऑप्शंस आर किंग एंड विलो लीफ, मैंडरिन एंड स्वीट ऑरेंज, विलो लीफ एंड विल्किन, किंग एंड विल्किन. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज किंग एंड विलो लीफ. किंग एंड विलो लीफ से क्या होता है, हमारा किन्नू बनता है. सो क्रॉस बिटवीन सिट्रस नोबिलिस एंड सिट्रस डेलिसियोसा. ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. इस वाले सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आने वाले सेशंस में मिलेंगे. और अगर आप यही एग्जाम टारगेट कर रहे हैं HPSC का ADO, तो फिर आप हमारी साइट पे जाके आई एग्जाम बी की साइट पे जाके आप फ्री मॉक टेस्ट इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना एवेल्युएशन कर सकते हैं. बाकी इफ यू लाइक द सेशन सो प्लीज लाइक इट और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.